चक्रवात बिपरजॉय गुजर गया, तबाही के निशान छोड़ गया गुजरात के सामने। अब ये चुनौतियां, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में गुरुवार शाम को टकराने वाला चक्रवात बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है। अगले 12 घंटों में इसके और कमजोर होने की संभावना है। बिपरजॉय गुजरात के बाद अब राजस्थान में प्रवेश कर गया है। इसकी वजह से बृहस्पतिवार रात से ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान ने 5,120 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने के साथ राज्य बिजली कंपनी को व्यापक वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। गुजरात सरकार अब गांवों में बिजली बहाल करने और सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने की तत्काल चुनौती का सामना कर रही है। चक्रवात बिपरजॉय के राज्य में दस्तक देने के बाद 4,600 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई थी। आदिपुरुष के खिलाफ हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, लगाए कई गंभीर आरोप। हिंदू सेना ने आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर मांग की है कि फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया जाए। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदिपुरुष विवादों में घिरती नजर आ रही है। हिंदू सेना ने आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर मांग की है कि फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया जाए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने शुक्रवार को आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की। अदानी ग्रुप का बड़ा दाव, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन को खरीदने की तैयारी। डिजिटल लैब्स ने बताया कि उसने ट्रेनमैन के 100% अधिग्रहण के लिए उसकी मालिकाना हक रखने वाली कंपनी स्टार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अदानी ग्रुप अब रेलवे सेक्टर में बड़ा दाव लगाने जा रही है। इसके तहत अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी डिजिटल लैब्स एक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग स्टार्टअप को खरीदेगी। एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है।